निकला था 10 किलो, दूसरे हार्वेस्टिंग को निकला 20 किलो, और तीसरे हार्वेस्टिंग को निकला लगभग आज के तीसरे हार्वेस्टिंग को 50 किलो माल निकलेगा अभी बाजार में। ये देख सकते हो माल दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से माल लगे हुआ है, 50 रुपये जा रही है हमारे महाराष्ट्र में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज मेरे काका जी के फार्म में हूँ मैं अभी। तो अभी ये 1.5 एकड़ का भिंडी का प्लॉट है, देख सकते हो ये भिंडी है, ये 1.5 एकड़ का भिंडी का प्लॉट। तो आज मैं आपको ये भिंडी की प्लॉट की सब जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी मेरे पीछे देख सकते हो हार्वेस्टिंग चालू है। तो आज के इस वीडियो में आप सब डिटेल में बताऊंगा आपको भिंडी प्लांटेशन कब करें, और आज भिंडी की बाजार में क्या जा रही है, भिंडी की बाजार क्या है आज के महाराष्ट्र में। तो आप किसान भाई हो, अभी ये अपना 1.5 एकड़ का प्लॉट है, अभी ये 1.5 एकड़ का अभी प्लॉट है काका जी का, मेरे काका जी का 1.5 एकड़ प्लॉट है। अभी ये भिंडी को प्लांटेशन करने को 50 दिन हो चुके हैं, अभी 50 दिन हो चुके हैं। अभी ये जो भिंडी अपन प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन करने के बाद 35 या 40 दिनों में हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, हार्वेस्टिंग पे आ जाती है 35-40 दिनों में। तो अभी ये तीसरी हार्वेस्टिंग चालू है। तो अभी ये हार्वेस्टिंग करने के बाद रोज़ 2 दिन होए कि हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, आज हार्वेस्टिंग करेंगे, कल का दिन जान देंगे, परसों दिन और हार्वेस्टिंग करेंगे। तो अभी इनकी तीसरी चौथी हार्वेस्टिंग चालू है। पहली हार्वेस्टिंग को 3 से ये अभी हम कैरेट पे ले जाते हैं ऐसे। तो अभी पहले हार्वेस्टिंग को निकला था 10 किलो, दूसरे हार्वेस्टिंग को निकला 20 किलो, और तीसरे हार्वेस्टिंग को निकला लगभग आज के तीसरे हार्वेस्टिंग को 50 किलो माल निकलेगा अभी बाजार में महाराष्ट्र में हमारे। 40-50 रुपये किलो से जा रही है अभी भिंडी। तो अभी भिंडी की वैरायटी लगाई उन्होंने राधिका और अजीत कंपनी की लगाई हुई, राधिका और अजीत लगाई हुई उन्होंने, दो वैरायटी लगाई हुई है। इधर देख सो ये राधिका है और ये अजीत है, देख सकते हो उनके पत्ते में फ़र्क कर समझ रहा है अपन को, फ़र्क दिख रहा है। तो अभी हार्वेस्टिंग चालू है, अब मैं हार्वेस्टिंग कैसी होती है आपको दिखाता हूँ, और झाड़ की क्वालिटी और उसकी फ्रेश कितनी ज़बरदस्त बने हुए ग्रोथ झाड़ की। अभी तीसरी हार्वेस्टिंग चालू है, ये देख सकते हो माल दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से माल लगे हुआ है। अभी तीसरी हार्वेस्टिंग चालू है, देख सकते हो माल सुपर क्वालिटी का माल है, 40-50 रुपये जा रही है हमारे महाराष्ट्र में। तो अभी हमारे महाराष्ट्र में संभाजीनगर ज़िले में अभी 40-50 के बाज़ार मिल रहे हैं हमको अभी। तो आपके इधर भिंडी के बाज़ार क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी हार्वेस्टिंग कर रही है, मैं माल दिखाता हूँ और आपको आपसे डबल से। ये देखिए ये अपना अजीत सीड्स का है, देख सकते हो ये अभी अजीत सीड्स की वैरायटी है, इसका ऐसा माल है। और मैं आपको राधिका भी दिखाता हूँ, ये देख सकती है ऐसी छोटी छोटी हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों ये अजीत कंपनी की देख सकते हो, ये अजीत कंपनी की वैरायटी है, ये देख सकते हो ये अजीत कंपनी की सीड्स है। अभी ये रोज़ 2 दिन में हार्वेस्टिंग करना पड़ता है भिंडी के प्लॉट को, अभी एक एक झाड़ को 2-2, 3-3, 4-4 ऐसी भिंडी लगती है। तो अभी ये देख सकते हो मैं भिंडी, ये देख सकते हो अभी छोटी छोटी कली लगी, फूल लगी, माल चालू रहता है लगभग। ये भिंडी के 5 से 6 फुट हाइट होने तक जब वो अपनी भिंडी चालू रहती है। तो दोस्तों आपको हमारा काका जी का 1.5 एकड़ का भिंडी का फार्म कैसा लगा, और हमारी भिंडी कैसी है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।